दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग पोको एक्स टू में किसी भी ऐप्स को, किसी भी फोटो को और किसी भी वीडियो को कैसे हाइड कर सकते हो। ये जो फीचर है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देख लेना। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटे को ऑन कर लेना। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से पोको एक्स टू में किसी भी ऐप्स को या फिर फोटो या फिर वीडियो को हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस फीचर को इनेबल करना होगा। इनेबल कैसे करना है वो भी आप लोग जान लो। दोस्तों आप लोग को अपने पोको एक्स टू के ऐप ड्रॉअर में जाना है। ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद आपको ऊपर की साइड में तीन लाइन देखने को मिल रहे होंगे, आपको इन तीन लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्क्रोल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप लोग को हाइड ऐप आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सबसे पहले इसे इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से अपने ऐप ड्रॉअर में जाना है और यहां पे आप लोगों को राइट साइड में दो बार स्वाइप करना है। जैसे ही आप लोग राइट साइड में दो बार स्वाइप करोगे दोस्तों ये जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने इनेबल हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो हाइड ऐप का आइकन है ये इनेबल हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड सेट करना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फिंगर लगाइए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो पैटर्न है वो सेट कर लीजिए। आप लोग अपने स्क्रीन लॉक का पैटर्न सेट मत करना, नहीं तो कोई भी आपके प्राइवेट ऐप्स को देख पाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से किसी भी पैटर्न को डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पैटर्न दो बार डालना होगा, उसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आप लोग किसी भी ऐप को यहाँ से हाइड कर सकते हो। सिंपली से आपको ऐड ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग ऐड ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से आप लोग जिन ऐप को हाइड करना चाहते हो उन्होंने ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों मैंने इन पांच ऐप्स को सिलेक्ट कर लिया, मैं दो ऐप्स को और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर राइट के साइन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस साइन पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये जो ऐप्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो ऐप्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। जो जो मैंने ऐप्स यहाँ पर हाइड किए हैं वो कोई भी ऐप्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ना तो आपको गूगल ड्राइव देखने को मिलता है, ना गैलरी देखने को मिलता है। यानी जितने भी ऐप्स मैंने यहाँ पर हाइड किए हैं वो सभी हाइड हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोग इन ऐप्स को हाइड से हटाना चाहते हो तो सिंपली से फिर बार आपको फिर से दो बार राइट स्वाइप करना है और यहाँ पर अपने पैटर्न को डालने के बाद इन ऐप्स को यहाँ पर ऊपर की साइड में जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करके इन सबको अनटिक कर देना है। जैसे आप लोग इन सबको अनटिक कर दोगे और राइट के साइन पर क्लिक कर दोगे आप लोग ये जो ऐप्स हैं ना वो अनहाइड हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि आप लोग किसी भी फोटो या फिर वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना होगा। जैसे आप लोग फाइल मैनेजर में जाओगे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउन स्वाइप करना है। जैसे आप लोग डाउन स्वाइप करोगे सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एक पैटर्न सेट करना होता है। मैंने पहले से पैटर्न सेट करके रखा हुआ है तो ये नहीं मांग रहा है। या पर आप लोग फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो और पैटर्न डालना चाहो तो पैटर्न भी लगा सकते हो। तो दोस्तों मैंने पैटर्न डाल के रखा हुआ है तो मैं जल्दी से इसे पैटर्न डाल के इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग को इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद एड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ऐड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से आप लोग किसी भी फोटो किसी भी वीडियो को बहुत ही आसानी से हाइड कर सकते हो। सिंपली से आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फोटोज होंगे या फिर जो भी वीडियोज होंगे आपके इस फाइल में हाइड हो जाएंगे। उसके बाद जब तक कोई भी यहाँ पर पैटर्न नहीं डालेगा आपके इन फाइल्स या फिर वीडियोज को कोई भी नहीं देख सकता और आपके मोबाइल फोन में ये प्राइवेटली बने रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग पोको एक्स टू में किसी भी फोटो या फिर वीडियो को बहुत ही आसानी से हाइड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो देख पाओगे।